नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सब दोस्तों iOS 15 का डेवलपर बीटा 4 रिलीज हो गया है और इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं डेवलपर बीटा 4 में आने वाले सारे चेंजेस और बग फिक्सेस मेरा नाम है सिद्धार्थ और आप देख रहे हैं टेक्नो एडिक्स इंडिया दोस्तों एप्पल ने यहां पर आईओ 15 डेवलपर बीटा 4 के साथ आईपैड ओ एस फिफ्टीन बीटा फोर वॉच ओ एस एट बीटा फोर टी वी ओ एस फिफ्टीन बीटा फोर और मैक ओ एस मॉन्ट्रे बीटा फोर को भी रिलीज किया है चलिए अब नज़र डाल लेते हैं डेवलपर बीटा फोर के बिल्ड नंबर पर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डेवलपर बीटा फोर का बिल्ड नंबर है नाइनटीन ए फाइव थ्री जीरो सेवन जी दोस्तों इस डेवलपर बीटा फोर में एप्पल ने मॉडर्म फर्मवेयर को भी अपडेट किया है और यहाँ पर हमें नया मॉडर्न फर्मवेयर अपडेट देखने को मिलता है जो है टू पॉइंट जीरो एट पॉइंट जीरो वन तो हमें उम्मीद है कि इस मॉडर्न फर्मवेयर के अपडेट होने से जिन लोगों को नेटवर्क कनेक्टिविटी इश्यूज आ रहे थे वो नेटवर्क कनेक्टिविटी इश्यूज अब रिजॉल्व हो जाएंगे चलिए अब नज़र डाल लेते हैं डेवलपर बीटा फोर में आने वाले कुछ चेंजेस पर दोस्तों इस वीडियो में हम कंपैरिजन देखेंगे आई ओ एस फिफ्टीन डेवलपर बीटा थ्री जो हमारे इस आई फोन सिक्स प्लस में इंस्टॉल्ड है और आई ओ एस के डेवलपर बीटा फोर में जो हमारे इस आई फोन ट्वेल्व प्रो मैक्स में इंस्टॉल्ड है सबसे पहला चेंज दोस्तों जो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है वो मिलता है फोकस मोड की सेटिंग्स में जब हम अपने फोन की सेटिंग्स में जाते हैं और सेटिंग्स में हम फोकस मोड को चूज़ करते हैं और फोकस मोड की सेटिंग्स में जब हम किसी पर्टिकुलर फोकस मोड के अंदर जाते हैं तो यहाँ पर आप बीटा थ्री में देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको ये टर्न ऑन ऑटोमेटिकली स्मार्ट एक्टिवेशन वाला ऑप्शन देखने को मिलता है जो यहाँ पर बीटा फोर में से रिमूव कर दिया गया है इसके अलावा यहाँ पर बीटा थ्री में आप देख सकते हैं कि ये टाइम सेंसिटिव नोटिफिकेशन वाला टॉगल आपको देखने को मिलता है बीटा फोर में इस टाइम सेंसिटिव नोटिफिकेशन वाले ऑप्शन को भी यहाँ से रिमूव कर दिया गया है एक चेंज दोस्तों हमें यहाँ पर देखने को मिलता है सेटिंग्स में नोटिफिकेशन आइकन में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बीटा थ्री और बीटा फोर में नोटिफिकेशन आइकन में थोड़ा सा चेंज देखने को मिलता है इसके अलावा अगर हम नोटिफिकेशन सेटिंग्स के अंदर जाते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर भी हमें थोड़ा सा चेंज देखने को मिलता है बीटा थ्री में हमें यहाँ पर शो रिव्यूज और शेड्यूल समरी के ऑप्शन देखने को मिलते थे जबकि बीटा फोर में हमें यहाँ पर शेड्यूल समरी शो प्रीव्यूज और स्क्रीन शेयरिंग का ऑप्शन देखने को मिलता है तो ये स्क्रीन शेयरिंग का ऑप्शन यहाँ पर एक एक्स्ट्रा ऐड कर दिया गया है बीटा फोर में इसके अलावा दोस्तों आई ओ एस फिफ्टीन बीटा फोर में अब हमें मैक्से बैटरी पैक का सपोर्ट भी देखने को मिलता है नेक्स्ट चेंज दोस्तों हमें देखने को मिलता है सफारी में सफारी में जब हम किसी वेबसाइट को ओपन करते हैं तो आप यहाँ पर आई ओ एस फिफ्टीन बीटा थ्री में देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें इस एप्पल डॉट कॉम के बगल में ये लॉक का सिम्बल देखने को मिलता है जबकि बीटा फोर में यहाँ पर लॉक का सिंबल को लेफ्ट साइड में मूव कर दिया गया है और एप्पल डॉट कॉम के बगल में आपको यहाँ पर रीलोड का ऑप्शन देखने को मिलेगा ये रीलोड का ऑप्शन आप यहाँ पर देख सकते हैं बीटा थ्री में देखने को नहीं मिलता था इसके अलावा अगर आप यहाँ पर बीटा थ्री में नजर डालें तो यहाँ पर आपको ये थ्री डॉट्स वाला बटन देखने को मिलता है जबकि बीटा फोर में आपको ये शेयर वाला ऑप्शन देखने को मिलता है जब हम इस ऑप्शन के ऊपर टैप करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर इंटरफेस भी बिल्कुल चेंज कर दिया गया है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बीटा थ्री में आपको ये रीडर रीड लेटर रीलोड और शेयर वाले ऑप्शन देखने को मिलते हैं जब यहाँ जबकि यहाँ पर आपको रेगुलर शेयर वाले ऑप्शन देखने को मिलते हैं अगर आप यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बीटा थ्री में आपको यहाँ पर एड टू क्विक नोट वाला ऑप्शन देखने को मिलता था जबकि इस एड टू क्विक नोट वाले ऑप्शन को बीटा फोर से रिमूव कर दिया गया है तो दोस्तों क्या इसका मतलब ये है कि एप्पल iOS 15 एस में क्विक नोट की सपोर्ट नहीं दे रहा है या फिर ये एड टू क्विक नोट वाला ऑप्शन हमें फ्यूचर रिलीजेज में वापस देखने को मिलेगा इसके अलावा दोस्तों अगर हम सफारी में लैंडस्केप मोड में स्विच करते हैं और अपनी इस वेबसाइट को यहाँ से ऐसे स्वाइप डाउन करके रीलोड करते हैं तो आपको यहाँ पर ये रीलोड का ऑप्शन देखने को मिलता है और ये थ्री डॉट्स वाला ऑप्शन देखने को मिलता है यहाँ पर दोस्तों हमने ये बग नोटिस किया है कि जब हम इन दोनों बटन के ऊपर टैप करते हैं तो ये बटन अभी यहाँ पर बीटा फोर में काम नहीं कर रहे हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इन दोनों बटन में से कोई भी बटन यहाँ पर अभी वर्क नहीं कर रहा है तो एक ये छोटा सा बग यहाँ पर हमने नोटिस किया है बीटा फोर में सफारी में दोस्तों जब हम अपने इस एड्रेस बार के ऊपर लॉन्ग प्रेस करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बीटा फोर में अब हमें ये शो बुकमार्क वाला ऑप्शन देखने को मिलता है ये शो बुकमार्क वाला ऑप्शन आपको बीटा थ्री में देखने को नहीं मिलता था इसके अलावा दोस्तों जब हम सफारी में किसी ऐसी वेबसाइट को ओपन करते हैं जिसमें कोई आर्टिकल है तो हमें यहाँ पर ये नीचे ये रीडर अवेलेबल वाला आइकन देखने को मिलता है जब हम इस आइकन के ऊपर टैप करते हैं तो हम इस आर्टिकल को रीडर मोड में देख सकते हैं एक चेंज दोस्तों हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कंट्रोल सेंटर में कंट्रोल सेंटर में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये नोट्स के आइकन में चेंज कर दिया गया है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बीटा थ्री में इस नोट्स का आइकन ऐसा दिखता था जबकि बीटा फोर में ये नोट्स आइकन थोड़ा डिफरेंट कर दिया गया है नेक्स्ट चेंज दोस्तों हमें देखने को मिलता है ऐप स्टोर में ऐप स्टोर में जब हम अपनी इस फोटो के आइकन के ऊपर टैप करते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बीटा थ्री में आपको यहाँ पर ये मेन्यू थोड़ा डिफरेंट देखने को मिलता है जब जबकि बीटा फोर में इस मेन्यू को सेटिंग्स की तरह ही राउंडेड बॉक्सेस में बना दिया गया है एक चेंज दोस्तों यहाँ पर देखने को मिलता है हमें विजिट्स में जब हम अपने विजिट्स स्टैक के ऊपर ऐसे लॉन्ग प्रेस करते हैं और यहाँ पर इस एडिट स्टैक वाले ऑप्शन पे जाते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बीटा थ्री में ये स्मार्ट रोटेट ऑन वाला आइकन थोड़ा डिफरेंट देखने को मिलता है और बीटा फोर में इस आइकन को थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंट चिक कर दिया गया है इसी तरीके से विजिट सजेशंस वाले आइकन को भी बीटा थ्री से बीटा फोर में थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया गया है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस आइकन में थोड़े से एनिमेशन भी ऐड कर दिए गए हैं बीटा फोर में नेक्स्ट चेंज दोस्तों हमें देखने को मिलता है रिमाइंडर्स ऐप में रिमाइंडर्स ऐप में जब हम अपनी किसी लिस्ट में जाते हैं और यहाँ पर इन थ्री डॉट्स के ऊपर टैप करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बीटा थ्री में यहाँ पर सबसे ऊपर आपको नेम एंड अपियरेंस वाला ऑप्शन देखने को मिलता है इस नेम एंड अपियरेंस वाले ऑप्शन का नाम चेंज करके बीटा फोर में यहाँ पर देख सकते हैं आपकी शो लिस्ट इन्फो कर दिया गया है तो ये हल्का सा चेंज यहाँ पर आपको रिमाइंडर ऐप में देखने को मिलता है डेवलपर बीटा फोर में इसके अलावा दोस्तों एप्पल म्यूजिक में भी हमें यहाँ पर एक बड़ी चीज देखने को मिलती है एप्पल म्यूजिक में अब इंडियन यूजर्स को भी डॉलबी एटमोस और एप्पल लॉसलेस ऑडियो सुनने को मिलेगी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस सॉन्ग के नीचे आपको यहाँ पर एप्पल लॉसलेस का लोगो देखने को मिलता है इसका मतलब ये है कि ये सॉन्ग लॉसलेस ऑडियो क्वालिटी में आपको सुनने को मिलेगा दोस्तों अगर आप जानना चाहते हैं कि एप्पल लॉसलेस ऑडियो क्या है तो आप उससे रिलेटेड हमारा वीडियो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं जिसमें हमने आपको डिटेल में समझाया था एप्पल लॉसलेस ऑडियो के बारे में तो दोस्तों अब यहाँ पर इंडियन एप्पल म्यूजिक सब्सक्राइबर्स को भी डॉल्बी एटमोस और एप्पल लॉसलेस ऑडियो सुनने को मिलेगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों आईओ 15 डेवलपर बीटा 4 में आने वाले कुछ बग फिक्सेस की दोस्तों एप्पल ने इस डेवलपर बीटा 4 में काफी सारे बग फिक्सेस किए हैं इसमें एक बग फिक्स किया गया है एप्पल कार्प्ले से रिलेटेड जिसमें मैप्स ऐप में कम्पस से रिलेटेड इश्यूज आ रहे थे जिनको एप्पल ने यहाँ पर रिजोल्व किया है इसके अलावा फाइल्स ऐप में भी कुछ बग्स देखने को मिल रहे थे जिसमें जब आप नई कोई नई विंडो खोलते थे तो आपकी फाइल्स ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाती थी तो इस बग को भी यहाँ पर एप्पल ने आई 15 एस फिफ्टीन डेवलपर बीटा फोर में फिक्स किया है कुछ बग्स दोस्तों यहाँ पर फाइंड माई ऐप में भी फिक्स किए गए हैं जिसमें फाइंड माई ऐप में कुछ यूजर्स को प्रॉब्लम आ रही थी जिसको यहाँ पर एप्पल ने रिजोल्व किया है इसके अलावा दोस्तों एक बग को यहाँ पर विजिट गैलरी में भी फिक्स किया गया है विजिट्स ऐप में जब आप किसी विजिट को यहाँ से सर्च करते थे और उसके बाद जब इस कैंसिल बटन को प्रेस करते थे तो इस कैंसिल बटन को प्रेस करने के बाद भी ये कैंसिल बटन यहाँ से जाता नहीं था तो इस बग को भी यहाँ पर आईओ एस डेवलपर बीटा फोर में यहाँ पर एप्पल ने फिक्स किया है इसके अलावा दोस्तों एप्पल ने यहाँ पर कुछ बग फिक्स किए हैं मैप्स ऐप में और आई क्लाउड में तो यहाँ पर काफी सारे बग फिक्सिस किए गए हैं आईओ एस डेवलपर बीटा फोर में तो दोस्तों ये थे आईपैड ओ 14 डेवलपर बीटा 4 में आने वाले कुछ चेंजेस और बग फिक्सेस हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो यूजफुल लगा होगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें अपने दोस्तों और परिवार के लोगों के साथ शेयर करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें जिससे जब भी हमारा कोई नया वीडियो आए तो आपको उसकी जानकारी मिल सके धन्यवाद